तो अब आपको मैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है सेल्वालूजी का। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान देंगे इसका। मैंने ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी फिगर बना रखा है। फिगर में आप देखिए चार पांच सेल आर्गेनेल के नाम लिखे गए हैं। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकांड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, चाहे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको लिख लें क्योंकि इसके दो टाइप हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था, लाइसोसोम है, बैकुल है। ये सब सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, अगर आप ध्यान दें इस पे, एनसीईआरटी ने लिखा है कि साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज है। मतलब ये हुआ कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें तमाम जो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज हैं वो जो है, जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो जो है साइटोप्लाज्म में होती हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें सारी सेल की घटनाएं होती हैं, जो भी सेल पे रिएक्शंस हो रही हैं सब साइटोप्लाज्म में होती है। आपके एनसीईआरटी ने ये शब्द लिखा है इसके लिए, मेन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज लिखा है एनसीईआरटी ने। तो आपको पहली बात तो याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में ये सारे जो भी रिएक्शंस हो रही हैं सब इसी में हो रहे हैं, इसको रट लीजिएगा, पूछा जाता है ये। अब आइए ध्यान देते हैं इस सेल में, अगर आप ध्यान से देखें सीक्वेंस में, तो पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गॉल्गी बॉडी है, फिर लाइसोसोम है, फिर बैकुल है। ये चारों सीक्वेंस में लगे हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन होती है, रफ से स्मूथ की होती है, स्मूथ से गॉल्गी बॉडी से लाइसोसोम, और लाइसोसोम से फिर आगे चल के बैकुल की ओरिजिन हो सकती है। लाइसोसोम से तय होती है, गॉल्गी बॉडी से बैकुल की ओरिजिन होती है। तो अब आप समझिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं। तो अगर आपको लिखना हो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के इज इक्वल टू, पहले आप लिख लें कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चार नाम आते हैं। नाम लिखना शुरू करिए, पहला नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईपीआर माने हुआ। दूसरा नाम है गॉल्गी बॉडी, ये दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, गॉल्गी बॉडी है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है। इसमें जो तीसरा नाम है वो है लाइसोसोम, ये देखिए लाइसोसोम है। और लास्ट जो इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाने में जिम्मेदार आदमी है वो बैकुल है। तो इस तरह से देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम और बैकुल, ये चार कंपोनेंट हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है, फैले हुए हैं। तो आखिर इन्हें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है, ध्यान से देखिए, मैंने इनको घेर दिया, मैंने साफ साफ लिखा कि इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शंस जो है इनके कोऑर्डिनेटेड हैं, कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड, अगर आप समझें, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है, स्मूथ लिपिड बनती है, उसकी पैकेजिंग इंडोप्लाज्म यहाँ गॉल्गी बॉडी में होती है। अगर उससे एंजाइम बना तो लाइसोसोम में स्टोर होता है, और कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हुआ तो बैकुल में स्टोर होता है। तो जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं उन्हें हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये चार सेल ऑर्गेनेल आते हैं, ये देखिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके फंक्शंस क्या हैं? आप फिर से बोलेंगे कि इनके फंक्शंस जो हैं कोऑर्डिनेटेड हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इनके फंक्शंस जो हैं कोऑर्डिनेटेड हैं, इसीलिए इनको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रखा जाता है। देखिए ये तीन ऊपर नाम है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट एक नाम आप देखिए, ये फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज, ये तीन सेल ऑर्गेनेल आप ऊपर देख रहे हैं, माइक्रोबॉडीज, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। तो इनके ऐसा क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इसलिए इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा नहीं जाता है। इसका पूरा ध्यान रखेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ये
माइक्रोप्लास्ट माइटोकांड्रिया माइक्रोबॉडीज को, मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया माइक्रोबॉडीज को इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसका पूरा ध्यान रखना है। जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी लाइसोसोम बैकुल के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, इसलिए इनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। पुराने जमाने में इन्हें जीईआरएल कहते थे। अगर जी का मतलब समझें, यहाँ जी का मतलब क्या हुआ, गॉल्गी बॉडी, ई का मतलब क्या हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब, EL का मतलब क्या हुआ, लाइसोसोम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहले कौन नहीं था, दूसरे मार्कर से पेंसिल ले देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले इसमें बैकुल इंक्लूडेड नहीं थी, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मैं लिख देता हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कहीं आप GERL देखें तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अब ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। वर्तमान में कॉन्सेप्ट ये है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम और बैकुल, ये इन चारों का फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए इनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। तो अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है गॉल्गी बॉडी। ये देखिए, ये नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को पढ़ना है, गॉल्गी बॉडी पढ़ना, इसके बहुत सारे नाम है। ये देखिए, सबसे पहले इनके ढेर सारे नाम हम लिख देख लें। इसका एक नाम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। ये देखिए, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। इसका दूसरा नाम है बेटा बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी। ये देखिए, इसका अगला नाम है डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। इसका और नाम है बेटा लाइपोकॉन्ड्रियन, लाइपोकॉन्ड्रियन। ये देखिए, इसका एक और नाम है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, इसी गॉल्गी बॉडी का दूसरा नाम है डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम नाम पढ़ा होगा। और बेटा आपने पढ़ा होगा कि डिक्टियोसोम, इस गॉल्गी बॉडी को हम लोग प्लांट सेल में कहते हैं, प्लांट सेल में इसे हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, इसलिए है कि प्लांट सेल में इसकी नंबर तो कम है लेकिन साइज ज्यादा है, इसीलिए इसको डिक्टियोसोम कहते हैं प्लांट के केस में। ध्यान रखें इस बात का कि प्लांट सेल में इसकी संख्या तो कम है, साइज ज्यादा है, इसलिए इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो गॉल्गी बॉडी है नाम, इसका नाम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, बेकर्स बॉडी है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स है, लाइपोकॉन्ड्रियन है। आइए डिस्कवरी की बात की जाए, अगर डिस्कवरी की बात किया जाए, किसने खोजा था इस स्ट्रक्चर को, तो अगर आप डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, नाम ही बता रहा है। देखिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैमिलो गॉल्गी नाम है, कैमिलो गॉल्गी, ये एक साइंटिस्ट है कैमिलो गॉल्गी। टाइम है 1898 का, ईयर एनसीईआरटी ने दिया हुआ, इसलिए इसको आपको याद करना है। कैमिलो गॉल्गी 1898 में डिस्कवर्ड, ध्यान देंगे आप एनसीईआरटी चाहे मिला लें, डिस्कवर्ड एनसीईआरटी क्लाइन में लिख रहा हूं, मिलाना है आपको, क्योंकि यही पूछा जाएगा जो लिखा हुआ है, डेंसली स्टेन्ड। ये देखिए, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस एंड called it गॉल्गी बॉडी। आपको मैं बता दूं, जब उन्होंने इसे खोजा था तो कोई इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, 10-12 साल तक स्ट्रगल चलता रहा, उसे गॉल्गी कॉन्ट्रोवर्सी भी कहा जाता है। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, क्या लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, नियर न्यूक्लियस लिखा गया है। अब यहां लिखा है डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर माने क्या होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के नजदीक है। अगर आप इस सेल में देखें तो इस सेल में सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर स्मूथ है, फिर गॉल्गी बॉडी है। तो आप फिगर देखिए, आपको कभी फीलिंग ही नहीं आएगी गॉल्गी बॉडी जो है यहां पर पड़ी हुई है, आपको लगेगा न्यूक्लियस से दूर है। लेकिन बेटा सही बात यह है कि किसी किसी केस में जहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप है वहां पर यह न्यूक्लियस से दूर है, लेकिन जिस सेल में सिक्रीशन ज्यादा होने हैं, जिस सेल में सिक्रीशन ज्यादा होने हैं, उन सेल्स में ये गॉल्गी बॉडी न्यूक्लियस के नजदीक है, मतलब फर्क है, कंडीशनल है ये। ये देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये गॉल्गी बॉडी है। तो उन्होंने ये बात जो देखी थी, तो उन्होंने एक्चुअली इसे ग्लैंड में देखा था,
तो क्योंकि इसका मेजर काम सिक्रीशन का है इस गॉल्गी बॉडी का, तो इन्होंने जब इसे ग्लैंड देखा था तो ये गॉल्गी बॉडी इनको यहां ना दिखाई पड़ के ये यहां दिखाई पड़ी थी, न्यूक्लियस के बगल में दिखाई पड़ी थी। और अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में यही फिगर दिखाई पड़ेगा, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई, बगल में गॉल्गी बॉडी बनी हुई है। तो डिस्कवरी अगर आप देखिए तो गॉल्गी डाल्टन कैमिलो गॉल्गी ने 1898 में डिस्कवर किया था डेंसली स्टैंड रेटिकुलर अपराटस और इसे न्यूक्लियस के नजदीक, जिसे इन्होंने गॉल्गी बॉडी कहा था। एक बात और देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसने इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप यहाँ एक लाइन और लिख लें, इट्स स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय, इट्स स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डाल्टन एंड फेलिक्स। ये दो साइंटिस्ट हैं डाल्टन एंड फेलिक्स, ये देखिए ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल दिया था। शायद इसीलिए इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहते होंगे, मेरा जो दिमाग चल रहा है, जो इसका गॉल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर उसे डाल्टन और फेलिक्स ने दिया था, शायद इसीलिए इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहते होंगे। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसकी अकरेंस की बात करें कि किस सेल में पाई जाती है किस सेल में नहीं पाई जाती है, अक्रेंस कहाँ पे है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि सेल में चार सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक गॉल्गी बॉडी है, एक लाइसोसोम है, एक माइक्रोबॉडीज है। तो आपको अगर अक्रेंस की बात करनी है तो सबसे पहले आप एक कमेंट लिखिए कि ये जो गॉल्गी बॉडी है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये देखिए, आप एक बात देखें इस पे, आपने भी कहा ना कि इसकी दो सेल में लोकेशन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल है, इसकी सेल में दो लोकेशन है, एक लोकेशन जो है ये न्यूक्लियस के आसपास है और एक न्यूक्लियस से दूर है। क्योंकि इसकी सेल में लोकेशन दो है इसलिए इस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। ये देखिए, प्लियोमॉर्फिक माने जिसकी लोकेशंस अलग अलग जगहों पे हैं, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है इसलिए फट से आप कमेंट करिए सर देखिए अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, मतलब किंगडम मोनेरा जो है, जो भी किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें गॉल्गी बॉडी अब्सेंट होता है, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है इसलिए गॉल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है। दूसरा कमेंट लिखिए, फट से कमेंट यहां पर लिखिए, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में आपको गॉल्गी बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन भी कुछ होगा, तो आप फट से लिखिए एक्सेप्ट। जब आपने एक्सेप्ट लिख लिया तो पेन चेंज कर दीजिए, दूसरी पेन से लिखिए एक्सेप्ट मेच्योर मेमेलियन आरबीसी। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जब मेमेलियन आरबीसी मेच्योर हो जाती है तो उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। मेच्योर मेमेलियन आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म, चाहे आप स्पर्म लिख लें चाहे स्पर्मेटोजोवा, जो मेच्योर स्पर्म होता है उसमें भी गॉल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है, उस गॉल्गी बॉडी की जगह पर वहां पर एक्रोसोम पाया जाता है। तो इस स्पर्म या स्पर्मेटोजोवा पर भी ये नहीं पाई जाती, इसका ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये अब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में दो सेल में आपको गॉल्गी बॉडी नहीं दिखाई पड़ेगी, एक मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में और दूसरी स्पर्म या स्पर्मेटोजोवा में। तो आप ध्यान से देखिए, इसके इतने सारे नाम है, प्लांट के केस में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं क्योंकि इसकी संख्या कम है साइज ज्यादा है। डिस्कवरी देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, ध्यान रखिए है लोकेशन, ये एनसीईआरटी लिखा है लियर न्यूक्लियस लिखा है, और यहाँ पर अक्रेंस देख लीजिए किस सेल में पाई जाती है किस सेल में नहीं पाई जाती है। तो अब बेटा देखो, मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ गॉल्गी बॉडी का, तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप गॉल्गी बॉडी की देखें तो आपको गॉल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में जनरली चार चीजें मिलेंगी। एक पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सिस्टर्नी क्या है, दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा वेसिकल्स क्या है, तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा ट्यूब्यूल्स हैं, और चौथी चीज पढ़नी पड़ेगी कि इसमें वैकुल है। ध्यान रखिए, घबराइएगा नहीं, ये चारों चीजें आपको गॉल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी ने केवल सिस्टर्नी का एक्सप्लेनेशन किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये सिस्टर्नी जो है ये गॉल्गी बॉडी का फंक्शनल पार्ट है,
मतलब बॉडी गॉल्गी बॉडी में जो भी काम होता है वो सारे काम सिस्टर्निस होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने इन तीनों की डिस्कशन नहीं किया है। तो एनसीईआरटी ने किसका डिस्कशन किया हुआ, केवल सिस्टर्नी का। आपको सिस्टर्नी पढ़ना है, पूरे अच्छे से समझना है, वेसिकल्स ट्यूबुल्स और बैकुल्स के बारे में चाहे एक्सप्लेनेशन करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो आपको सबसे पहले सिस्टर्नी समझनी है। अच्छा, सिस्टर्नी कई चीजों के कारण इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप बड़ा से लिख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप इसको तैयार कर लें। सबसे पहला कमेंट इसके बारे में लिखें कि ये सर जो है, ये जो है फंक्शनल पार्ट ऑफ गॉल्गी बॉडी है। ये फट से आप कमेंट लिख दें कि गॉल्गी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो इसी सिस्टर्नी कारण हो रहे हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ गॉल्गी बॉडी। ये आपको सबसे पहली बात लिखनी पड़ेगी, ये लिख दिया आपने सिस्टर्नी। दूसरी बात लिखिए कि ये स्मूथ स्ट्रक्चर है, मतलब इस पे कोई भी राइबोसोम जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा लिखिए डिस्क शेप्ड है, ये डिस्क शेप्ड है, डिस्क शेप्ड है, पैरेलल अरेंज्ड है। पहले सारे कमेंट हो जाएं, फिर आप इसको मैं आपको डिटेल सिखाता हूँ। पैरेलल अरेंज्ड है मतलब एक के ऊपर ये एक अरेंज है, और आप देख लीजिए पैरेलल अरेंज है, कंसेंट्रिकली है, कंसेंट्रिकली है, डिस्क शेप्ड है। ये सारे कमेंट आप बेटा देखेंगे तो आपको सब के सब आपके इस खूबसूरत एनसीईआरटी मिल जाएंगे। तो क्या क्या है, फंक्शनल पार्ट ऑफ गॉल्गी बॉडी है, पहला कमेंट है आपको ये याद करना है। स्मूथ है मतलब राइबोसोम नहीं है, डिस्क शेप्ड है, पैरेलली अरेंज है, कंसेंट्रिकली अरेंज, कंसेंट्रिकली सीक्वेंस्ड है, कंसेंट्रिक है। अगर आप इसका फिगर देखें, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कुछ ऐसे ये डंबल शेप्ड बनता है। अगर आपने देखा है ऐसे, ये तो ये ऐसे ही डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे दिखती हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि सर ये सिस्टर्नी है, ऐसे ये सिस्टर्नी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सिस्टर्नी है तो ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप यहां फोकस करिए। तो अगर ये सिस्टर्नी का इस लोकेशन देखा जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, और अगर ये देखिए तो ये किस तरफ है, यहां देखिए, अगर हम इस तरफ से देखें तो ये किस तरफ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से है। पहली बात, आप एक बात आपको याद और रखनी पड़ेगी जो गुस्से स्लिप कर जा रही है कि जो ओरिजिन है गॉल्गी बॉडी की, जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्गी बॉडी की ओरिजिन होती है। अगर आपसे याद हो तो आप याद कर लें, ज्यादातर ऐसे होता है कि एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल की ओरिजिन होती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्गी बॉडी की ओरिजिन होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इस व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर कारण है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस स्ट्रक्चर में पहले ये लाइन बनी होगी या बनी होगी, स्मूथ से पहले ये बना होगा या फिर ये बना होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला पहले बना होगा। तो जो पहले बना होगा, जो पहले बना होगा उसे हम लोग कहते हैं फार्मिंग फेज कहते हैं। फार्मिंग फेज का मतलब ये हुआ, इस फेज को हम लोग कहते हैं फार्मिंग फेज कहते हैं, क्योंकि ये फेस पहले बना होगा, ये फेस बाद में बना होगा। ये वाला जो फेस है, इस फेस को हम लोग मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो ये बनने के आधार पर दो नाम है, अब मैं यहां मिटा देता हूं। इस फेस का दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिंग फेस है। तो अगर आपको एक लाइन याद कर लीजिए कि इस दुनिया में जितने चेहरे हैं, हर चेहरे के दो दो चेहरे हैं, हर चेहरे के दो दो चेहरे हैं, हर चेहरे के दो दो चेहरे हैं। दुनिया में जितने लोगों को आप देखते हैं उनके हमेशा दो चेहरे हैं, ऐसा सत्य भी है। जैसे आप देखते हैं ना, मेरा एक चेहरा देख रहे हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, बीन बजाती हुई नागिन, तो आप मेरा ये देख रहे हैं जो आपको कैमरे में दिख रहा है या जो मैं आपको क्लास में दिखता हूँ। मेरे पीछे भी एक चेहरा, जैसे इलेक्ट्रॉन के दो कैरेक्टर होते हैं, ऐसे इस दुनिया में हर आदमी के दो चेहरे हैं, एक दिखता है और एक छिपा रहता है। अरे एग्जांपल देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, हर चेहरे के दो दो चेहरे। आप इनका नाम तो जानते होंगे, बाबा आसाराम का, इनको सब लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो देखने में बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं और पीछे जो है कुछ और बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो हर चेहरे के दो चेहरे हैं, ठीक उसी तरह से ये जो गॉल्गी बॉडी है इसके भी दो चेहरे हैं। दो चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टू फेसेस है, मतलब गॉल्गी बॉडी के दो फेसेस हैं। तो जो फेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले बनता है उसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो बाद में बनता है उसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरा, इसी फॉर्मिंग फेस को यहां पर आप देख लें, इसी फार्मिंग का दूसरा नाम है सिस फेस नाम है, इसे सिस फेस कहते हैं। ये देखिए, तो जब इसे सिस कहते हैं तो इसे हम लोग ट्रांस फेस कहते हैं, मतलब ये इसके दो चेहरे हैं, इनके नाम अलग अलग कंडीशन में है।
ये सिस फेस है, इस तरफ इधर कौन सा फेस है, ट्रांसफेज है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बन रही है, तो आप कहेंगे सर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बनती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या बन रही है, आप कहेंगे सर लिपिड बनती है। तो भैया अगर यहाँ प्रोटीन बन रही है, यहाँ लिपिड बन रही है, तो क्या दोनों कूद के सन से बाहर चली जाती होंगी? ऐसा तो नहीं होता होगा। प्रोटीन यहाँ से आती होगी, लिपिड यहाँ से होती होगी, पैकेजिंग इसकी यहाँ होती होगी। तो बताइए गॉल्गी बॉडी का ये फेस पहले उस प्रोटीन लिपिड को रिसीव करता होगा या ये फेस करता होगा? आप कहेंगे सर ये फेस पहले रिसीव करता है, क्योंकि ये फेस गॉल्गी बॉडी के ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन है उसे पहले रिसीव करता है, इसलिए इस फेस का नाम रिसीविंग फेस है। रिसीविंग फेस का मतलब ये हुआ कि यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को स्टोर करता है, रिसीव करता है। ये देखिए, तो जब ये रिसीव करता है तो ट्रांसफर इस फेस से बाहर करता है, इधर से फेस करता है। तो रिसीविंग का उल्टा देखिए, इस फेस को हम लोग डॉकिंग फेस कहते हैं, डॉकिंग फेस कहते हैं, या इसी को हम लोग शिपिंग फेस कहते हैं, शिपिंग फेस कहते हैं। ये देखिए शिपिंग फेस कहते हैं, क्योंकि इसी फेस से चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो अब इस गॉल्गी बॉडी के कितने चेहरे हो गए? गॉल्गी बॉडी के दो चेहरे हैं। सिस्टर्नी के कितने चेहरे हो गए? इसके टू फेसेस हैं। इस सिस्टर्नी के टू फेसेस हैं। एक फेस है जिसे हम लोग सिस फेस कह रहे हैं, दूसरे फेस को हम ट्रांसफेस कह रहे हैं। एक को रिसीविंग कह रहे हैं, दूसरे को डॉकिंग कह रहे हैं, एक को फॉर्मिंग कह रहे हैं, दूसरे को मैच्योरिंग कह रहे हैं। आपको ये याद करना है कि ये जो फेस है, ये फेस जो है कॉन्वेक्स शेप का है, ये कॉन्वेक्स फेस का शेप का है, और ये जो शेप है ये कॉन्केव शेप का है। ये देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्वेक्स शेप का और ये कॉन्केव शेप का है। अगर आप ये लोग अब अच्छा सोचिए, इसमें पहले कौन, इसमें स्पेलिंग किसकी कम है? कॉन्वेक्स की स्पेलिंग किसकी ज्यादा है? कॉन्केव की। तो जिसकी स्पेलिंग कम है वो पहले आता है, जिसकी स्पेलिंग ज्यादा है वो बाद में आता है। तो इस गॉल्गी बॉडी के टोटल फेसेस कितने हैं? दो। गॉल्गी बॉडी के नहीं बल्कि सिस्टर्नी के। पहला फंक्शनल पार्ट है गॉल्गी बॉडी का, स्मूथ है, डिस्क शेप्ड है, पैरेलली अरेंज है, कंसेंट्रिकली अरेंज है। और अगर आपको लिखना है बेटा, तो इसके दो फेसेस हैं, टू फेसेस हैं इस गॉल्गी बॉडी के। आपकी एनसीईआरटी में वो जो दो फेस लिखे हैं वो लिखे हैं, एक फेस है जिसको हम लोग रिसीविंग फेस कहते हैं, एक फेस कहते हैं रिसीविंग फेस, और दूसरा फेस कहते हैं शिपिंग फेस। शिपिंग फेस कहते हैं जिसके द्वारा यह मटेरियल को शिप करता है, मतलब दूसरी तरफ ट्रांसफर करता है। तो इस सिस्टम ने के दो फेस है, ऊपर वाले फेस के तीन अलग अलग नाम है। अगर इधर रिसीविंग कहते हैं तो इसे डॉकिंग या शिपिंग कहते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रोटीन और लिपिड इस फेस से स्टोर हो रिसीव की जाएगी और इस फेस से ट्रांसफर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। अब ये दोनों फेसेस सेम है या डिफरेंट है? एनसीईआरटी ने क्या कहा इस सिस्टम के बारे में? अगर और कमेंट देखे जाए तो एनसीईआरटी कहती है कि बोथ फेसेस आर अपोजिट। बोथ, आप देखिए इस सिस्टम के बारे में कमेंट देखिए, बोथ फेसेस आर डिफरेंट, ये एनसीईआरटी लाइन है। बोथ फेसेस आर डिफरेंट बट आर इंटरकनेक्टेड। दोनों फेसेस आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। सही भी बात है। कैसे डिफरेंट है? अगर आप देखें बेटा, तो इसका एक फेस जो है वो कॉन्वेक्स शेप का है, दूसरा फेस कैसा है, कॉन्केव शेप का है। अरे सलमान खान का डंबल देखा हो, उस तरह से दिखाई पड़ता है। अगर आपको इसका फिगर नहीं याद आ रहा है तो ऐसे लिखिए, सलमान का डंबल है ये। कौन है ये सलमान का डंबल? डंबल तो समझते होंगे आप, जिससे वो क्या पैक हो कि बिस्किट उस्किट बनाई जाती है, आप भी बनाते होंगे, अभी क्लास 11th में है। किसी के कहने पे कुछ सामान आपको कहते होंगे, डंबल उम्बल बनाइए, थोड़ा बिस्किट विस्किट बनाइए, भौकाल टाइट होगा आपका, तो भौकाल तो आप टाइट करिए और ठीक है, भौकाल टाइट हो, लेकिन इसका फिगर कैसा है, सलमान के डंबल जैसा है, जिसे वो बिस्किट विस्किट बनाता है, ऐसे याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। तो दोनों फेसेस डिफरेंट है, ये शेप जो है कॉन्वेक्स है, ये शेप कॉन्केव है, लेकिन आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आप देखें, ये पहला कमेंट है, ये दूसरा कमेंट है, ये तीसरा कमेंट है, चौथा कमेंट है, ये देखिए ये SABCDE, ये पांचवा कमेंट है, और ये देख बेटा ये छठवा कमेंट है। तो ये सारे कमेंट हैं जो गॉल्गी बॉडी में आते हैं। एनसीईआरटी ने इसी सिस्टम के बारे में लिखा है, इसका पूरा आपको ध्यान रखना है। इस एनसीईआरटी ने, इस खूबसूरत एनसीईआरटी ने केवल सिस्टम के बारे में लिखा, लेकिन हम आपको तीनों पढ़ाएंगे। तीनों क्यों पढ़ाएंगे? जब आप पुराने UPSC PM के क्वेश्चन करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आइए इसके दूसरे नाम को देखिए,
अब सिंपल है, बहुत बड़ा काम नहीं है। दूसरा नाम ऐसे लिखिए यहाँ पे कि दूसरा नाम इसका जो है उसका नाम वेसिकल्स है, यहाँ लिखिए वेसिकल्स। परेशान मत होइएगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप ऐसे भी परेशान नहीं होते हैं, आप परेशान कर दें लोगों की आप परेशान होंगे, ऐसे वेसिकल्स दिखाई पड़ती है। तो अगर आपको वेसिकल्स लिखना है तो आप इसे लिखिए राउंडेड स्ट्रक्चर है, लिख लीजिए ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। फट से आपने लिखा राउंडेड स्ट्रक्चर है, और लिख दीजिए एक लाइन स्मूथ है, मतलब इनकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं है। बस इतना ही पर्याप्त, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है। वेसिकल्स के बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर इसमें बेटा वो ट्यूब्यूल्स है। ये देखिए ये तीसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आप यहाँ ट्यूब्यूल्स चाहिए, हेडिंग डाल दीजिए आपने ट्यूब्यूल्स। फटाफट इसके बारे में तीन चार कमेंट लिख दीजिए, ये ऐसे ऐसे फिगर बना दीजिए, कल भी आपने बनाया था, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। लिखना शुरू करिए, सर ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। आपने लिखा सर ये ब्रांच है, हमने कहा जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा कमेंट लिखिए स्मूथ है, ये भी बात सही है, ब्रांच है स्मूथ है, बस तो कमेंट बहुत है। तीसरा स्ट्रक्चर, लास्ट के स्ट्रक्चर बारे में आइए, बैकुल के बारे में आइए। अगर आप बैकुल देखते हैं तो बैकुल कैसी होती है, ऐसे दिखाई पड़ती है, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ती है। लिख दीजिए ना इसके बारे में कि ये ओवल शेप्ड है, सिंपल से लिखिए, परेशान तो हमको होना ही नहीं है, ओवल शेप्ड है। सरफेस कैसी है, स्मूथ है। स्मूथ में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए गॉल्गी बॉडी में चार स्ट्रक्चर है, सिस्टनी है, वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल्स है, वेकुल है। ये चार चीजें मिलके गॉल्गी बॉडी जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। ये गॉल्गी बॉडी न्यूक्लियस के नजदीक होता है। मैं आपको इसलिए ये चार स्ट्रक्चर बताया कि कल आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इनको पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो पूछा जाता है कि वेसिकल्स और बैकुल्स किस किस सेल ऑर्गेनेल में कॉमन है, तो आपको बताना है वेसिकल्स और बैकुल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी बॉडी दोनों में कॉमन है, इसका ध्यान रखना है। लास्ट में इसका एक टॉपिक है बेटा, गॉल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन जो है, एक लाइन पहले आप लिख लीजिए कि गॉल्गी बॉडी, पहले फंक्शन लिखा जाए, गॉल्गी बॉडी मेनली डेवलप इन दो सेल्स, विच आर सिक्रेटरी। मतलब गॉल्गी बॉडी उन सेल्स में ज्यादा एक्टिव होती है या ज्यादा डेवलप होती है जिनका मेजर काम सिक्रीशन का है, चाहे वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो, उनमें मेजर काम गॉल्गी बॉडी का मेजर काम सिक्रीशन का है। आइए इसका पहला फंक्शन पढ़ते हैं। इसका अगर आप पहला फंक्शन पढ़े, इसका पहला फंक्शन दिया गया है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। तो अगर आप पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स देख रहे हैं तो ये पहला फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है, इसलिए यहां पर प्रोटीन बनेंगी, ये दिमाग में डालिए। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्टेरॉइड बनेंगे या यहां पर लिपिड बनेगा। अब आपके दिमाग में बात सेट हो गई कि यहां प्रोटीन बनेगी, यहां लिपिड बनेगी, और ये ट्रांसफर होकर गॉल्गी बॉडी के किस फेस पे आएंगे, फार्मिंग या रिसीविंग फेस पे। फिर यहां पर वेसिकल्स बनेंगी, इन वेसिकल्स में मटेरियल भरा जाएगा और वो मटेरियल सेल के बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। सेल के बाहर ट्रांसफर होने के बाद ये वेसिकल्स खाली फिर जाके उससे ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन या लिपिड को, ये जो प्रोटीन या लिपिड बन रही है उसको रिसीव करके सेल के बाहर सिक्रीशन करेगा। तो मैं अगर आपसे कहूं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का मतलब अगर आपसे पूछो कि ये प्रोटीन कहां से बन के आई, तो आप कहेंगे सर ये जो प्रोटीन है मेरे हिसाब से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आई। मतलब यहां रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आई, बोलिए हाँ। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट कहां बना, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुई, थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप इसको देखें तो प्रोटीन को हम लोग प्रोटीन कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम लोग ग्लाइको से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर आप लिखिए प्रोटीन, ऐसे लिखिए कि प्रोटीन है प्लस यहां लिखिए ग्लाइको, तो बनेगा क्या, तो आपको बनेगा ये देखिए ग्लाइको प्रोटीन बनेगी, तो ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा ये देखिए। तो ग्लाइको प्रोटीन जब बनेगी
तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। ये देखिए, दूसरा देखिए, फिर वही देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन थोड़ा सा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी। लिपिड का फॉर्मेशन कहाँ होगी, ये देखिए, लिपिड जो है स्मूथ से बनेगी, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन थोड़ी सी गॉल्गी बॉडी करेगी। तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ग्लाइकोलिपिड बनेगी, ग्लाइकोलिपिड बनेगी, ये देखिए ग्लाइकोलिपिड बनेगी। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ये देखिए, कुल मिला के ये कहना है कि जो प्रोटीन लिपिड यहां से बनेगी उसको पैक करने का काम गॉल्गी बॉडी करेगी। एक और देख लीजिए, लिपिड प्लस प्रोटीन अगर देख लीजिए तो ये देखिए लिपिड है, इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, लिपिड का फॉर्मेशन कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करेगा, बोलिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी कौन, कौन करेगी बोलिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए, प्रोडक्ट बनेगा लाइपोप्रोटीन। तो जब ये लाइपोप्रोटीन बनेगा बेटा तो इसे पैक करके सेल के बाहर कौन भेजेगा, पैक करके सेल के बाहर कौन भेजेगा, कौन भेजेगा, गॉल्गी बॉडी भेजेगी। तब इसे हम लोग लाइपोसाइलेशन कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इसको आपको एनसीईआरटी मिलेगा, पक्का मिल जाएगा। एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन बन रही है ये ट्रांसलेशन के पहले या ट्रांसलेशन के बाद है, तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन के बाद ही होगा ना, तो ये प्रोटीन ट्रांसपोस्ट ट्रांसलेशनल है, मतलब ट्रांसलेशन के बाद बनती है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई प्रोटीन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई लिपिड, दोनों को पैक कौन करता है, गॉल्गी बॉडी करती है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये पहला बड़ा फंक्शन हो गया। मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन आपके मेडिकल की टिकट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपको याद करना है, मतलब ये पूरा का पूरा आपको रटना है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे लिखा हुआ है। इसके सिवा गॉल्गी बॉडी का और क्या क्या फंक्शन, इसको आप देखें, गॉल्गी बॉडी का अगला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। अगर आपको सेल प्लेट नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरा चीज आता होगा, चाहे सेल प्लेट कहें चाहे इसे हम लोग फ्रैग्मोप्लास्ट कहें। ये देखिए फ्रैग्मोप्लास्ट कहें, किस सेल में मिलता है, ये प्लांट सेल में। जब किसी प्लांट सेल को डिवाइड होनी होती है तो इसको बीच बीच में एक प्लेट बनती है, जिस प्लेट का नाम सेल प्लेट होता है, या इसे फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं, और इसी से ये प्लांट सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इस सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है ये गॉल्गी बॉडी करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईपीएमटी जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये गॉल्गी बॉडी का दूसरा फंक्शन है, याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल प्लेट का फॉर्मेशन। तीसरी बात देखिए, ये क्लास ट्वेल्थ में आपको मिलेगा, क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर मिलेगा, इलेवेंथ में पढ़ लीजिए, पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, अगर आप इसको देखें फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, अभी आपने पढ़ा था ना कि स्पर्म में गॉल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है, तो एक्रोसोम क्या है ये बात सीखिए, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। देखो बेटा, देखो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पर्मेटिड कहते हैं। इस स्पर्मेटिड वाले स्ट्रक्चर में ये नॉन मोटाइल होता है, पहली बात आप याद लीजिए कि स्पर्मेटिड क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ये इसी नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड में आपको गॉल्गी बॉडी दिखाई पड़ेगी, चाहे आप यहां लिख लें कि गॉल्गी बॉडी इसमें आपको दिखाई पड़ेगी नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड में। लेकिन जब इससे स्पर्म बनता है, ये देखिए ये ऐसे स्पर्म बन जाता है इस तरह से, तो इस स्पर्म में आपको गॉल्गी बॉडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि इसके हेड पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्पर्म है। तो ये स्पर्म है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये देखिए, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, नॉन मोटाइल स्पर्म से, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, और इसमें जो स्पर्म एक्रोसोम होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम है, ऐसे चाहे आप लिख लें, स्पर्म का जो एक्रोसोम है, जो उसका हेड है, एक्रोसोम है, ऐसे लिखिए, फॉर्मड बाय गॉल्गी बॉडी।
इसका फॉर्मेशन जो होता है उसे करती है गोल्गी बॉडी। ये देखिए फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी, याद रखिएगा। एक फंक्शन इसका और है, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। हमारी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन जो पिगमेंट बनता है बॉडी में, उसका भी फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी करती है। ये देखिए एक लास्ट फंक्शन देख लीजिए ताकि टॉपिक खत्म हो जाए। लास्ट टॉपिक देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेल? शायद आप उसे पहले बोलेंगे, सर ये तो जो है गोल्गी बॉडी से, ऐसे में सीधे लिख देता हूं, गोल्गी बॉडी से कौन बनता है बेटा? लाइसोसोम का फॉर्मेशन। ये देखिए लाइसोसोम का फंक्शन। अगर आप कॉमन कहते, एक और लिख लीजिए छोटा सा, योक फॉर्मेशन। वैसे ज्यादा हो जा रहा है आपके लिए, योक फॉर्मेशन होता है जो अंडे में आप सफेद कलर का योक देखते हैं, उसका भी फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी करती है। अगर आपको याद हो जाए तो भी फंक्शन आप याद कर लीजिएगा, नहीं भूल जाइएगा, मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। ये 6-7 फंक्शन है, रट लीजिए इसको।